नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं नीलू व्यास। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं उन मुद्दों को जिसका सीधा सरोकार समाज से है, खासकर हाशिए पर रहने वाले वो बच्चे जिनके लिए जिंदगी की खुशियां बहुत दूर है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की एक बड़ी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे अनाथ बच्चों की, जिन बच्चों के सिर पर माँ बाप का साया नहीं होता है। उनकी ज़िंदगी में मुश्किलों का अंबार भर जाता है, ना तो उनका पूरा विकास हो पाता है और ना ही समाज में उन्हें वो सम्मान मिल पाता है जिसके वो हकदार होते हैं। हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको उड़ीसा से आई अनाथ बच्चों की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो ये आप देख रहे हैं, इनमें ये बच्चे जो खेलते दिख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। बहुत छोटी उम्र में ही इनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया है। पेट भरने के लिए छोटी सी उम्र में इन बच्चों को काम करके न सिर्फ अपना पेट पालना पड़ता है बल्कि अपने भाई बहनों का भी पेट भरना पड़ता है और उनका ख्याल रखना पड़ता है। इन बच्चों के रिश्तेदार कुछ दिन तक तो इन्हें सहारा देते हैं, लेकिन उसके बाद या तो इन्हें अनाथाश्रम या फिर अकेले ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। सोचिए, जिस उम्र में हमारे आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, घर में रहते हैं, उस उम्र में ये बच्चे घर से बाहर निकलकर काम करने को मजबूर हो जाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन अनाथ बच्चों की, और अगर मैं आपको उसका आंकड़ा बताऊं तो आप चौंक जाएंगे कि हमारे देश की 4% जनसंख्या अनाथ बच्चों की है। तकरीबन 30 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए क्या हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या देश में सरकारों ने, कोई भी सरकार हो, उन सरकारों ने क्या इन अनाथ बच्चों के लिए नीतियाँ बनाई हैं? इन बच्चों का भविष्य कैसा है? इन सारी बातों को आज की चर्चा में हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक बहुत खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दयाराम जी, जो कि सेक्रेटरी हैं एस्पायर एनजीओ के। एस्पायर वो एनजीओ है जो कि टाटा स्टील फाउंडेशन से सपोर्टेड है और हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया है, और हर हफ्ते हम आपके लिए बच्चों के इर्द गिर्द जितने भी तमाम इश्यूज़ हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। दयाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं भारती अली, जो कि को फाउंडर है हक की, जो कि एक चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज की चर्चा भारती से शुरू करूँगी कि भारती, एक इतनी बड़ी संख्या है जो अनाथ बच्चों की, कितनी भयावह है या कितनी भयानक है इनकी स्थिति? अगर इनकी देखरेख की हम बात करें, इनके लिए जो प्रोविजन सरकार ने किए हैं अगर हम उसकी बात करें तो। देखिए, आपने जो आंकड़े दिए हैं ये आंकड़े समय समय पे बदलते रहते हैं। हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा आज भी नहीं है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पास जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं है। या अनाथ की जो परिभाषा है वो भी थोड़ी जो कानून है उसमें बदल चुकी है। तो हम जब अनाथ की बात करते हैं उन बच्चों को भी देख रहे हैं जिनका जो सिंगल पेरेंट के बच्चे हैं, जिनके पास एक पेरेंट है दूसरे नहीं है, तो जिनको सेमी ऑर्फन भी कहा जाता है अंग्रेजी में। पर आज के तारीख में अनाथ की जो परिभाषा है उसमें दोनों प्रकार के बच्चे आते हैं। तो आंकड़े को अगर हम देखेंगे, मुझे नहीं पता आपने कौन सा आंकड़ा प्रेजेंट किया है, नंबर बहुत ज़्यादा हैं। और जो हमारे पास विकल्प हैं वो उतने ही कम हैं। हालांकि कानून ये कहता है कि अनाथ बच्चों को हम ऐसी परिस्थितियों में भेजने का प्रयास करें जहां उन्हें एक परिवार मिल सके, पारिवारिक परिस्थितियों में वो रह कर के अपना बड़े हों और उनका पालन पोषण हो। पर वो परिवार कहां से आएगा ये एक बात है। तो फॉस्टर केयर की बात की गई है कानून में, अडॉप्शन की बात की गई है, गोद लेने की बात है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, स्पॉन्सरशिप की बात है कि अगर वो अपने ही किसी रिश्तेदार के यहाँ रहना चाहें और रिश्तेदार जो है वो सिर्फ पैसे की तंगी के कारण उनको नहीं रख पा रहे हैं तो क्या स्पॉन्सरशिप दिया जा सकता है जिससे वो ज़रूरत भी पूरी हो सके और वो अपने रिश्तेदारों के बीच में ही पले बढ़ें। तो इस तरह के प्रावधान जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, लेकिन वही है इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है। तो प्रावधान सारे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है, भारती आपने बताया। लेकिन दया, आपसे पूछना चाहेंगे, आप वहाँ पर ज़मीन से जुड़े हुए हैं और
उड़ीसा है, झारखंड है, ऐसे बहुत सारे राज्यों में आप की एनजीओ काम कर रही है, तो जहाँ तक अनाथ बच्चों का सवाल है, किन परिस्थितियों में अनाथ बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं, जो अनाथाश्रम है खासकर? ऑन एन एवरेज हमने जो आंकड़े हमारे पास है इन ब्लॉक के, करीब 950 to 1000 बच्चे हर ब्लॉक पे हैं, एक डेवलपमेंटल ब्लॉक में, और ये 20 ब्लॉक को हम मिलाए करीब 3000 से ज़्यादा बच्चे, भी इतने बच्चे 20,000 बच्चे मिलेंगे। तो ये जो स्थिति है, लेकिन जो सुविधा है बच्चों के लिए वो बहुत कम है। पहली बात तो बहुत कम सुविधा है, दूसरी बात है कि इन बच्चों को ये सुविधा मिले, ये ICDS डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी है कि बच्चों के बारे में जो अनाथ है उनकी वो लिस्टिंग करे, बाकी जो चाइल्ड राइट्स के इंस्टीट्यूशन हैं उनके हैं वो लिस्टिंग हो के वहाँ तक पहुँचना ये हो नहीं पाता है। जो बच्चे बड़े हैं, जिनकी उम्र 7 साल 8 साल से बड़े हैं, उनको तो हम अपने RBCs में ला के, और उनकी बड़ी तादाद है, करीब 216 बच्चे हमारे RBCs में हैं जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं है। सिंगल पेरेंट्स को जो रहे, जैसा कि भारती ने कहा, वो संख्या और भी बढ़ी है। हमारी भी प्रायोरिटी है, कुछ प्रायोरिटीज़ है आश्रमशाला वगैरह में एडमिशन के लिए भी, लेकिन जितने बच्चे हैं और जितने बच्चों को इंस्टीट्यूशनल केयर मिलता है वो 1/10 भी नहीं है। यानी हर 10 में से 9 बच्चा इंस्टीट्यूशनल केयर से बाहर रह जाता है। फिर उनकी स्थिति होती है कि वो बाउंडेड लेबर है, सेमी बाउंडेड लेबर है, कई बार अपने रिलेटिव के घर में वो मजदूरों की तरह काम करते हैं, बहुत बुरी स्थिति है। बिल्कुल, लेकिन जो ये आंकड़ा भारती आप मुझे बोल रही थी कि ये आंकड़ा कहाँ से है, ये 2011 का जो सेंसस है और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट थी, तो उसने बताया था कि देर आर 29.6 million ऑफेंड एंड अबैंडन चिल्ड्रन। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि भारती आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप यूनिसेफ की वेबसाइट पर जाइए तो यूनिसेफ की वेबसाइट पर चैड, इथियोपिया, अल्जीरिया, ये सब जो देश हैं इनके आंकड़े वहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो भारत का कॉलम है वो ब्लैंक है। तो क्या हमारे देश में अभी तक जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने क्या जरूरी ही नहीं समझा कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका सर्वे किया जाए, ये जानने की कोशिश की जाए कि हमारे देश में कितने अनाथ बच्चे हैं? तो ये जो सर्वे कराने की जो प्रायोरिटी है, भले ही वो सेंसस से हो, वो सरकारों में क्यों नहीं पाई गई है, वो प्रायोरिटी सरकार ने क्यों नहीं तय की? देखिए, प्रयास होते रहे हैं समय समय पर, लेकिन वो अधूरे प्रयास हैं। वो अधूरे इसलिए हैं क्योंकि एक तो इसके लिए हाउसहोल्ड सेंसस जो है वो 10 साल में एक बार होता है, तो वैसे ही बहुत अपडेटेड डेटा हमारे पास नहीं आ पाता है। दूसरा, डेटा जो इंस्टीट्यूशन से लेने का प्रयास होता है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन ये आ जाती कि जो इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, वहाँ से तो आपको आंकड़े मिल जाएंगे, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ घुस करके आप कैसे आंकड़े लेंगे, और वहाँ जो है जवाबदेही भी फिक्स नहीं हो पाती है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। आज भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी चल रही हैं, अनाथालय ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। उस पे सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया समय समय पे होती रही है, मगर फिर भी हम सारे इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन 2011 का ही जो एक आंकड़ा है उसके हिसाब से 4,70,000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर हैं। तो जब हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर की भारतीय हम बात करते हैं तो वो क्या सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी आंकड़ा है जो कि अनाथ बच्चों की देखरेख करते हैं, इसे कैसे देखा जाए? वो वही केवल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रजिस्टर्ड हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। जो रजिस्टर्ड नहीं है उसका आंकड़ा हमारे पास इतना नंबर, हम ये जानते हैं कि कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब उसका एक आंकड़ा है हमारे पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आंकड़ा मांगा था, इसलिए सभी राज्य सरकारों को एक ये एक्सरसाइज करनी पड़ी थी और एक आंकड़ा निकल के आया कि कितने संस्थान ऐसे हैं, ऐसे आश्रम हैं, ऐसे अनाथालय हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। पर वो भी 100% करेक्ट शायद नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम बाउंड एक्सरसाइज किया था राज्य सरकारों ने। इसको तो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि ऐसे कितने संस्थान, ऐसे कितनी अनाथालय और आश्रम चल रहे हैं। लेकिन दया ये बताइए कि जो 70% जो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो SCs, STs और OBCs की है, और इन फैमिलीज में अनाथ बच्चे
वो उनके लिए किस तरीके के प्रावधान है, क्योंकि एस सी एस टीज को लेकर बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो जो इनके बच्चे हैं क्या जो इनकी फैमिली से जो अनाथ हैं उनके लिए क्या अलग से प्रावधान बनाए गए हैं या उनके लिए भी यही सारी प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, एक तो मैं आंकड़ों की बात थोड़ा सा मैं करूंगा, क्योंकि आपने किया कि NFHS 4 के आंकड़े आप देखेंगे तो वो कहते हैं 5% बच्चे हैं जो अनाथ हैं, और ये डेटा जो है NFHS 4 का वो 2015-16 का है, तो बीच बीच में आंकड़े तो आते हैं, कई स्रोत से आते हैं। दूसरा, आपने जो कहा इंस्टीट्यूशनल केयर का, ये जो 4,70,000 आप बता रहे थे बच्चों की संख्या है, ये इंस्टीट्यूशन की संख्या के बजाय, और ये बच्चे 1.5% से कम है जिसका इंस्टीट्यूशनल कवरेज है। जो बच्चे अनाथ है उनका, जो मैंने कहा कि हमारे भी अनुभव यही है, जिन बच्चों को इंस्टीट्यूशनल कवरेज मिलता है वो संख्या बहुत छोटी है, 7-10% हमारे इलाके में है। दूसरी बात कि अलग से कोई प्रावधान नहीं है एससी एसटी के लिए, जो प्रावधान है उसको लेके लोग सचेत नहीं है इन बच्चों के, और दूसरी बात इतनी सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। यदि सचेत हो भी जाए, अभी तक हमारा जो प्रयास रहा है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं, और हमने कोशिश किया है, तो वो लंबी प्रक्रिया है, आप लिखते हैं ICDS के माध्यम से, फिर वो उसको फॉलो अप नहीं करें आप महीनों तक, तो फिर ये नहीं होता कि इन बच्चों को मिलता है कुछ इंसेंटिव्स भी हैं। उड़ीसा में 10,000 रुपए इमीडिएटली उस परिवार को मिलता है जिसके साथ है, जिसकी दादी है या कोई रिलेटिव है, उनको तुरंत 10,000 रुपया मिल जाता है। बिल्कुल। उसके बाद इनको आप अलग संस्थाओं में, अलग अलग जगह है, मतलब तो छोटी है। आप संख्या देखें जो हम आंकड़े बता रहे हैं और जो प्रावधान है उनके पास, और तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि उस प्रावधानों को कैसे उपयोग में लाएं, ना तो लोगों की जानकारी है, लोग इसको जानते नहीं, और वो कैसे पहुंचे वो नहीं, जिन संस्थाओं को जिम्मेदारी है उनको वो नहीं कर पा रहे। जो मैंने कहा कि आप सक्रिय करें, तो हम काफी बच्चों को इन संस्थाओं से जोड़ पाए हैं, लेकिन वो प्रक्रिया यदि वो संस्था नहीं हो, बीच में कोई काम ना करे, ये मुश्किल है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संवेदनशीलता की भी बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको ब्रेक पर लेकर जाऊँ, आपको बता दूँ कि लगभग 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि इंडिया में ऑर्फन्स हैं, यानी कि वो अनाथ हैं, जो कि 4% आबादी है हमारे देश की। ये आंकड़ा 2011 के सेंसस का है, और जैसा हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये आंकड़ा समय समय पर बदलता रहता है, इट इज़ एन अंडर एस्टिमेट, आंकड़े कहीं ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी अपने देश की ये है कि जहाँ तक अनाथ बच्चों का सवाल है, कोई सर्वे ऐसा नहीं होता है जिसमें कि एग्जैक्ट संख्या अनाथ बच्चों की क्या है वो हमें मिल पाए। तो एक बहुत ही पेचीदा सा एक रुख है, और सरकार जिस तरीके से इन अनाथ बच्चों के साथ डील कर रही है वो भी कहीं ना कहीं ये शो करता है दैट द गवर्नमेंट इज इनसेंसिटिव। तो चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटते हैं तो अनाथ आश्रमों में क्या हालात है और आगे की रणनीति इन बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। क्या खत्म हो जाएगी MSP? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर द डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1-800-300-2602।
RKDF University, a world-class university, जहां students को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो job creators बन सके, ना कि सिर्फ job seekers. So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1-800-270-320. राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर, रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में बूंदे ओस की, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं देश में अनाथ बच्चों की, कि अनाथ बच्चों से डील करने के लिए सरकार की क्या रणनीति है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर की अगर हम बात करें तो उसके क्या हालात है, इस पर आज की चर्चा हमारी बनी हुई है। हमारे साथ खास मेहमान दयाराम जी और भारती अली हक से, उनके साथ ये चर्चा हमारी जारी है। भारती, आपके पास लौटेंगे और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ज़्यादातर देखा गया है कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर, अगर हम अनाथ बच्चों की बात करते हैं, तो इन इंस्टीट्यूशंस में जो हालात हैं वहाँ पर अक्सर ये शिकायतें मिलती हैं कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या तो बच्चों को सेक्शुअली एक्सप्लॉयट किया जाता है, सेक्शुअल अब्यूज़ होता है, चाइल्ड राइट वायलेशंस होते हैं। तो ऑर्फनेज हमने बना दिया, अनाथाश्रम बना दिया, लेकिन हमने ये नहीं कोशिश की ये देखने की कि वो किन परिस्थितियों में चल रहा है, उसकी वजह क्या है। इस पर भी बहुत सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी याचिकाएं इस पर दायर हुई हैं, और संपूर्णा बेहुड़ा एक केस रहा जिसमें ये बातचीत हुई कि क्या सारे जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत जितने स्ट्रक्चर्स होने चाहिए वो हैं या नहीं है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ भी हैं या नहीं है, JJB हैं या नहीं है। तो धीरे धीरे फिर उस पर बढ़ते बढ़ते कई सालों के बाद जा कर के राज्य सरकार कह पाई कि हाँ, हमारे यहाँ हर ज़िले में एक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आज भी सब ज़िलों में नहीं है, और ये दोनों इंस्टीट्यूशंस स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनका काम है कि वो ऐसे बच्चों को रिसीव करें जो कहीं ना कहीं संरक्षण के दायरे से हट गए हैं, बाहर निकल गए, छूट गए हैं, और फिर उनके लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ प्रयास किए जाएं, और साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस बच्चों के लिए चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी करते रहें, फॉलो अप होता रहे। तो ये स्ट्रक्चर्स खड़े करने में ही हमें कम से कम 10 साल लग गए। ICPS जब एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम बना था तो 11th 5-year प्लान में वो स्कीम आया था, और 12th 5-year प्लान के अंत में जाकर के हम ये कह पाए थे कि हाँ, अब हमारे पास इतने सारे CWCs हैं, JJBs हैं, DCPU डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बन गए हैं। लेकिन आज भी यहाँ पे वैकेंसीज बहुत सारी हैं, तनख्वाहें पूरी नहीं मिलती लोगों को। अगर हम कहते हैं कि एक प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है कि वो समय समय पे निरीक्षण कर जाए और देखे कि इंस्टीट्यूशन केयर में, इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है, तो उसके पास साधन नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स हैं, मोटिवेशन भी नहीं है कि वो जाकर के रेगुलर मॉनिटरिंग करे। जो काम राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को करना चाहिए, NCPCR जैसे संस्थानों को, SCPCR है हर राज्य में, उनका काम है मॉनिटर करना कि लॉज कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चूकते रहे इसमें। जो एक पूरा फोकस हमारा रहा कि हम जब भी कुछ एक केस न्यूज़ में आता है उस पर चर्चा होती है, फिर वो याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जाते हैं, फिर अचानक ही एक SOP बना दिया जाता है कि अभी आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना दीजिए इस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर। तो कानून तो लागू कर नहीं रहे, आप कितने ही SOP बना दीजिए, SOP तो बाइंडिंग भी नहीं होते हैं। वो एक चरण चल पड़ा, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि बस SOP बनाओ और अपनी जिम्मेदारी खत्म करो। बिल्कुल, तो SOP बना दिया गया, लेकिन जिम्मेदारियों को किस तरह से पूरा किया जा रहा है ये सरकार वापस पलट कर नहीं देखती, ये आपकी बातों से काफी क्लियर है। लेकिन दया, आपके पास आऊंगी कि
जो ये पूरा कानून है, किसी भी चीज की में अगर कोताही नजर आती है तो लोग अक्सर बोल देते हैं कि कानून बना दिया जाए। अब अनाथ बच्चों का जो तबका इतना बड़ा है जिसे कि सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, इट इज वेरी एविडेंट दैट वी डोंट हैव स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ऑर्फन्स वी हैव इन अ कंट्री, तो उसको लेकर जुविनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही हम जब तक ऑर्फन्स को डील करते रहेंगे तो क्या इन्हें वाकई में न्याय मिल पाएगा, या आज जरूरत है कि एक और कोई टारगेटेड पॉलिसी होनी चाहिए या एक टारगेटेड लेजिस्लेशन हो उनके लिए, तभी इन बच्चों को शायद इन पर अटेंशन सरकार दे पाएगी। नहीं, सारे बच्चे सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस के तहत नहीं आते हैं, इसमें तीन तरह की संस्थाओं की बात है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग तरह के अनाथ आश्रम की है, और 6 साल से ज्यादा के जो बच्चे हैं उनके लिए, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, और फिर जो केयर होम है जुवेनाइल जस्टिस के लिए वो एक अलग तरह की है, कई बार मिक्स भी है। लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा जो अनुभव है कि इन बच्चों को जब हमें आरबीसी में लाना पड़ता है, और हम 7-8 साल से बड़े बच्चों को ही ले पाते हैं, बहुत छोटे बच्चों को 4-3 साल के बच्चों के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो हमारा अनुभव रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है उसका रोल बहुत सकारात्मक। एक तो पहले वो खुद ही कई लोग ओरिएंटेड नहीं, वो हमको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि आप गैर कानूनी रूप से इन बच्चों को रख रहे हैं, और हमने उनको चिट्ठी लिखी लंबा सखत डीएम को भी कि हमारा कोई मकसद नहीं इन बच्चों को रखने का, ये आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप नहीं रख रहे, इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, हम अपने साथ रख रहे हैं, आज आप इन बच्चों की व्यवस्था करें तो हम आपके साथ छोड़ सकते हैं। तो हमें कानूनी धमकियां भी मिली, हमारा इंक्वायरी भी हुआ, और हमें कह रहे, क्योंकि हम लोग ये चाइल्ड प्रोटेक्शन होम नहीं है, हमारे यहाँ लोग ट्रांजिट में होते हैं, हमारे यहाँ बच्चे 1 साल या 2 साल होते हैं, उनके बाद हम गवर्नमेंट के आश्रमशाला या दूसरे जो भी व्यवस्था है उसमें डालते हैं। उनका हमारा जो अनुभव रहा है, रुख जो है वो कोई सपोर्ट करने का भी नहीं है, व्यवस्था करने का भी नहीं है, ओरिएंटेशन भी उनका सही नहीं है, कुछ एनजीओ चलाती है, हमारा अनुभव यही रहा है कि वो इतने बुरे हाल में है कि वहाँ बच्चे नहीं। हमारी 4 बच्चियां, क्योंकि हमारे ऊपर जब इंक्वायरी हुई तो उन बच्चों को लेके कुछ सवाल उठे, और कुछ लोगों ने जानबूझ के ये मसला उठाया कि यहाँ पे जात पात होता है, क्योंकि वो हमसे कुछ लोग ब्राइब की मांग करते हैं, हमने कहा हम तो कभी नहीं दे सकते। जब ये मसला उठा तो कुछ 4 बच्चियों को ये शेल्टर होम में ले गए, और वो बच्चियां कई दिनों तक रोती रही, फिर गवर्नमेंट वाले हमें कहते रहे कि इन बच्चों को अब ले जाइए, हमने कहा आप लिख के दीजिए कि इन बच्चों को ले जाना है। तो जो हालत है वहाँ बच्चे रह नहीं सकते हैं, बहुत बुरी हालत में है, एक तो सफिशेंट नहीं है, जितने हैं वो अच्छी हालत में नहीं है, जितने बच्चों की जरूरत है लोगों को मालूम नहीं है नीचे कि इनको कैसे उपयोग करना है, और वो चरबड़ाई सी हुई है, टूटी हुई है, चल नहीं रही है, तो बहुतायत बच्चे इसके बिल्कुल वो आपने जो हालत बताई जो शेल्टर होम्स की वो काफी मार्मिक है जिस तरीके से और जिन परिस्थितियों में वहां पर बच्चे रह रहे हैं। लेकिन भारती, आपसे मेरा सवाल है कि हम कोई भी पॉलिसी ले ले, आज उज्ज्वला स्कीम की आप बात कर ले, मिड डे मील स्कीम की बात कर ले, इतनी सारी सरकार की स्कीम्स हैं, तो उसको एक वोट बैंक के तहत हर पॉलिसी को लॉन्च किया जाता है। आज क्या ये कहना सही होगा, या मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ कि अनाथ बच्चे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक नहीं होते हैं, तो क्या यही वजह है कि उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो किसी भी रेजीम की, वो उन पर ऐसा लगता है कि ध्यान ही नहीं देना चाहती? ये बात आपने बिल्कुल सही कही, बच्चे तो वैसे भी किसी का वोट बैंक नहीं होते। अब हम किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उन पर थोड़ा ध्यान देने की बात आजकल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किशोर किशोरियां जो है अपनी आवाज़ उठा रही हैं, तो हमें लग रहा है कि हाँ शायद इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पर जो छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा पाते। तो ये बात सत्य है कि वो वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनके बहुत सारे मुद्दे जो है नज़रअंदाज हो जाते हैं। जब कभी हमें SDG पे रिपोर्ट करना होता है तो हम फिर अचानक से जब जागते हैं तो फिर हमें लगता है कि अच्छा हाँ इन चीज़ों को देखने की जरूरत है। तो और एक चीज और कह दी जाती है कि हमारे पास एक बहुत कन्वीनियंट सा एक्सक्यूज होता है कि हमने तो एडॉप्शन सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन जो एडॉप्शन का आंकड़ा है देश में वो भी बहुत कम है। 6,000 कुछ का जो आंकड़ा है वो नज़र आता है कि हर साल 6,000 से ज़्यादा एडॉप्शंस इस कंट्री में हो ही नहीं पाते। तो एडॉप्शंस को और इन अनाथ बच्चों का जो रिलेशन है, दया, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत छोटी संख्या है, मुझे तो अपने इलाकों में एडॉप्शन के केसेस दिखते ही नहीं है, बल्कि ये बच्चे जब रिलेटिव्स के साथ जाते हैं वहाँ भी बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट होते हैं, क्योंकि खुद भी गरीब हैं लोग, और उसके बाद उनके
स्थिति है कि मैंने ज्यादातर बच्चों को देखे वो सेमी बाउंडेड सिचुएशन में रहते हैं, बिल्कुल उनकी हालत है, और बहुत छोटी उम्र में जैसा मैं कहा कि हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं ज्यादा, सिर्फ कि हम इन संस्थाओं के साथ लिंक करें, ये लगातार हमने कोशिश की है और जहां जहां हम काम कर रहे हैं इन संस्थाओं के साथ लिंक करके हम भेज पा रहे हैं, लेकिन बहुत खराब स्थिति है बच्चों की, बिल्कुल ये मैं बता सकता। अब भारती, अब समय खत्म हो चला है, आप लोगों से एक ब्रीफ कमेंट चाहेंगे एक एक करके। भारती, आप अगर बताएं कि अब अगला रोड मैप सरकार के लिए क्या होना चाहिए, या आप ये कहेंगे कि सरकार के लिए ये प्रायोरिटी नहीं है इसलिए सरकार कुछ करेगी नहीं, क्या रोड मैप क्या होना चाहिए, वेरी ब्रीफली। देखिए मेरे लिए, मेरे हिसाब से एक ही रोड मैप है, जो आपने कानून बना दिए हैं प्लीज उनको लागू करें और उसकी मॉनिटरिंग आप समय समय पे करते रहें, अपना डेटा बेस सुधारें, क्योंकि आज की तारीख में आप प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका डेटा बेस ठीक नहीं है, आपकी जो प्लानिंग है वो आधी अधूरी है, विदाउट प्रिसाइज डेटा। ओके, तो आधी अधूरी प्लानिंग है और मॉनिटरिंग की जरूरत है। दया, वेरी ब्रीफली अ क्विक कमेंट फ्रॉम यू बिफोर आई वाइंड अप द शो। दोनों बातें हैं, एक तो जो कमी है संस्थाओं की, सारे बच्चों को जगह मिले तो हमारे पास संस्थाएं नहीं है। नंबर टू, नीचे तक जो सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, तो हमारा तो अनुभव यही है कि जो मैं बार बार कहता हूँ, यदि पंचायतें सक्रिय हैं, कम्युनिटी सक्रिय हैं, तो इन संस्थाओं का लाभ उठा पाते, जो है उसका भी लाभ नहीं उठा पा रहे, तो दोनों तरह काम करने की जरूरत है। एक तरफ नीचे इन संगठनों को मजबूत करके इन लिंकेज को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, दूसरी तरफ इन संख्याओं को बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल जी, तो संगठनों को मजबूत करना और इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना, जो ऑलरेडी कानून और नियम बने हैं उनको लागू करना, ये तो चैलेंजेस हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि पहले सरकार इस बात को एक्नॉलेज तो करे कि इतनी बड़ी जनसंख्या अनाथ बच्चों की अपने देश में है और उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। कोई भी पॉलिसी आप ले लीजिए, चाहे वो UPA के टाइम में हो, चाहे BJP के रजीम में हो, वो कहते ज़रूर हैं लेकिन सब कुछ सिर्फ कागज पर ही नजर आता है। तो वाकई में जो भी चीजें हैं उसकी एक स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है, और सिर्फ बातों में ही नहीं बल्कि एक्शंस में भी उसे शो करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दयाराम और भारती अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज बूंदे ओस की में इतना ही, अगले हफ्ते फिर से किसी और इशू के साथ आपसे मुलाकात होगी, बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस के साथ।